अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा कारोबार चलता हुआ ठप हो जाता है और कारोबार या दुकान में ऐसी बंदिश हो जाती है कि तमाम सामान व साधन होने के बावजूद भी बिक्री नहीं होती है, ऑर्डर वगैरह नहीं आ पाते हैं, कहीं ऑर्डर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। दुकान में खरीदार आते हैं, माल पसंद करते हैं, लेकिन खरीदे बिना वापस चले जाते हैं और यही सामान दूसरी दुकान से ज्यादा कीमत में खरीद लेते हैं। एक तरीके से मान लीजिए, दुकान पर ग्राहकों को बुलाने के लिए आप लोग अगर परेशान हैं तो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक वताला जिस दिन भी आप लोग इस अमल को करेंगे उसी दिन आप लोगों को फर्क महसूस हो जाएगा। पहले आप एक या दो दिन कर देख लें, अगर आपको फर्क लगे तो रोजाना करते रहें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो ढूंढ कर लाया हूँ, आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक किए बगैर कोई भी मत जाना। अल्लाह तबारक वताला आप तमाम लोगों के कारोबारों में बरकत दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कॉमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो अगर आप लोग कारोबार से रिलेटेड तमाम परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस अमल को इस तरीके से करें। सबसे पहले आप लोग सुबह को उठें और वजू करें। वजू करने के बाद दुकान या दफ्तर की तरफ निकल जाएं। तो जैसे ही आप लोग दुकान पर पहुँचे तो सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा सूरह नास पढ़ें। सूरह नास बहुत छोटी सी है, जिन लोगों के याद है वो पढ़ लें और जिन लोगों के याद नहीं है वो हम आपको हिंदी में लिख के दे दे रहे हैं, आप चाहें तो देख के भी पढ़ सकते हैं। सूरह नास ये है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्री वज़वासिल खन्नास अल्लज़ी युवज़विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। इतनी छोटी सी सूरह नास है, आप लोग कुल औज़ु बिरब्बिन नास के नाम से भी इस सूरह को जानते होंगे। तो आप लोग सिर्फ 3 मरतबा अपनी दुकान को खोलने से पहले अपनी दुकान के सामने खड़े होकर इस दुआ को पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 या 2 कदम पीछे हट जाएं और पीछे हटने के बाद आप लोग अपने जूतों को निकालें, दोनों जूतों को आपस में टकराएं, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए एक जूते की तली को दूसरे जूते की तली से मिलाएं और इतनी जोर से एक जूते पे दूसरा जूता मारें कि धूल झड़ जाए। इस तरीके से आप लोग 3 मरतबा अपने जूतों को आपस में टकराएं और फिर उसके बाद आप लोग अपनी दुकान को खोलें और अंदर जाकर अगरबत्ती वगैरह अगर लगा सकें तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप लोग अपना कारोबार या तिजारत शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग मेरे कहने से सिर्फ 1 दिन कीजिए, अगर आपको फर्क महसूस हो तो आप रोजाना इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक वताला मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को जरूर इसमें फर्क देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग परेशान है तो आप लोगों से गुजारिश है हर इंसान तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा काम है वीडियो को आप तक पहुँचाना, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। और प्यारे दोस्तों, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोगों से गुजारिश है इन वीडियो पे क्लिक करके इन वीडियोस को भी देखिए। सामने राउंड राउंड में जियत वर्ल्ड लिख के आ रहा है, उस पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।